कौन है यार वो? एसी में लगी है मेरे को लगता है। आदर्श का आदर्श यही क्या लो भैया बोलो भैया भैया उधर से आओ कायम लगे आप भैया गैस की टंकी रखिए जल्दी इधर भाई गैस की टंकी रखिए हाँ ज्यादा नहीं करते पे एक्चुअली हमारे सेट पे कंट्रोल रूम से पॉइंट चला कि होटल साकेत है यहाँ पर कमल डेरी के सामने। ये हमारा थाना शिकारपुरा से लेके सनवारा वाला जो रोड है उस पर स्थित है। तो जैसे ही पता चला तो हमारा जो डायल 100 है यहीं पर हमारा पॉइंट रहता है, एक नोडल पॉइंट रहता है, वो यहाँ उपस्थित था। उन्होंने सेट पे पॉइंट दिया कंट्रोल रूम को, कंट्रोल के माध्यम से फायर ब्रिगेड को पॉइंट दिया गया और मौके पर एक फायर ब्रिगेड सबसे पहले पहुँची और दूसरी फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर आ चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि आदर्श द्विवेदी करके एक व्यक्ति हैं जिनका ये होटल चलता है और जो आग लगी है वो किचन वाले एरिया में लगी है जहाँ पर कुछ गद्दे वगैरह स्टोर रूम से भी था। अब आग का जो एग्जैक्ट रीज़न है किस कारण से लगी है अभी पता नहीं है, मे बी हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो या अभी हो सकता है कि किसी ने जानबूझ कर लगाई हो, तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अब जैसे ही लाइट वगैरह हम चालू करेंगे तो सीसीटीवी वगैरह फुटेज भी इसमें खंगा लेंगे। सर तो फायर फाइटर के इक्विपमेंट आते हैं वो देखा गया मीडिया में कि वो बहुत उपयोगी साबित हुए आग बुझाने में। बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा उपयोगी रहते हैं और हमारे जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं हमने पहले भी बताया, एसडीएम मैडम के द्वारा भी अभियान चलाया गया है कि हर संस्थान में हर जगह पर जहाँ पर पब्लिक का प्रेजेंस रहता है वहाँ पर मस्ट है कि अपना फायर एक्सटिंग्विशर कैपेसिटी के हिसाब से लगाया जाए। इसकी फायर एनर्जी की जाँच की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा भी तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये जानबूझ कर लगाई गई है या फिर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है। इस घटना से सबक लेते हुए जितनी भी इतनी बिल्डिंग्स है उनकी फायर एनर्जी लेने के लिए नगर निगम को कहा जाएगा? ये बिल्कुल हमारे द्वारा एसडीएम मैडम को संज्ञान में डाला जाएगा कि फायर सेफ्टी हर मैडम के द्वारा भी अभियान चलाया गया था, अभी पूर्व में कुछ मॉलों पर भी इसमें कार्रवाई की गई थी, तो ये मैडम को संज्ञान में ला के कार्रवाई की जाएगी।